Good morning, everyone. Myself Prabhakar Singh, and with me, say your name. Aditya. Okay. Welcome, welcome everyone, guys. I'm from IHM Gwalior. Gwalior, first year student, 2022 to 2025. So first day, and आज हमारा induction program है, जिसे हमें orientation भी कहते हैं. But we don't know कि क्या होने वाला उसमें. पर हम लोग बहुत एक्साइटेड है. कल रात को खाना खाने के बाद हमें नींद काफ़ी लेट आई, और लेट आने के बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि अब सो जाते हैं फाइनली, कल जो होगा देखा जाएगा. हम मैं और मेरा रूममेट आदित्य सुबह 5 बजे से जगे हुए हैं. 5 बजे से जगने के बाद हमने कुछ किया नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने रूम साफ किया. लुक एट फर्स्ट टाइम आवर रूम, एंड IHM Gwalior हैज़ अ बिग कैंपस, बिग रूम्स, और इट्स अ वेरी लार्ज हॉस्टल. वी हैव 3 विंग्स ABC, एंड करेंटली वी आर इन विंग बी एंड रूम नंबर 227, राइट? देन अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो सारे हॉस्टल वाले सब सोए हुए हैं लगभग, लेकिन धीरे धीरे सब उठ रहे हैं. अभी टाइम 6 बज रहा है, 6 बजे 8 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है. तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहा धो लूँ, क्योंकि ना वो हॉस्टल में जैसे जैसे लोग जगते हैं तो वो बाथरूम जो है वो ज़्यादा भीड़ हो जाती है. और बाथरूम एक नहीं है, बाथरूम बहुत सारे हैं, हम लोग कहीं भी नहा सकते हैं, पर नहाने की जो जगह है वो 2 ही है. तो कोशिश करेंगे हम जितना जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं, और रेडी होने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम लोग फर्स्ट डे होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट के ड्रेस में हम लोग कैसे दिखते हैं. फिलहाल मैं तो बहुत बकवास दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे छोटे आए नहीं है, और कल हमने शेविंग भी कर लिया. शेविंग का मैंने ब्लॉग बनाना भूल गया, उसमें ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं जब पहली बार शेविंग कर रहा था तो मैं हाथ में थोड़ा सा फॉर्म ले रहा था, वो ज़्यादा आ जा रहा था. मेरे एक फॉर्म से ना 3 लोगों का शेविंग हो गया, सब चिकने हो गए, सब यहाँ पे चिकने बैठे हुए. इट सीम्स वेरी बैड टू से चिकना, बट क्या करेंगे यार, ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको ये सब चीज़ मेंटेन, ग्रूमिंग मेंटेन करनी पड़ेगी. सो हमारे सीनियर्स, स्पेशली टॉक अबाउट द सीनियर्स, तो सीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने. और बाकी तो अब कॉलेज आ करके पता चलेगा, मैं कॉलेज का कैंपस टूर भी आपको दिखाऊंगा. मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग शुरू करूंगा कॉलेज आने के बाद, मैं तो ट्रैवल से ही शुरू करने वाला हूं. आपको इंडक्शन प्रोग्राम भी दिखाएंगे, इंडक्शन प्रोग्राम अगर पॉसिबल है तो फिर मैं वहाँ शूट कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा, पर आई विल ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू जो नेक्स्ट ईयर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर उन्हें कभी आइडिया है जो अभी 12th में है, जो सोचते हैं कि मैं भी होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाऊं, तो एक्चुअली में इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है, ओरिएंटेशन होता क्या है. तो फर्स्ट डे हमारा है, लिटिल बिट नर्वस, बस उतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री मजे के लिए, तो हम बस मजे करेंगे, फन करना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है. हमारे 2 दोस्त और हैं, वो अपने रूम में, हम लोग 4 दोस्त यहाँ पे, मैंने 2 दिन हुआ है मुझे आए हुए, मैंने 4 दोस्त बनाए, बहुत ही गजब के दोस्त हैं. तो मैं उन लोग से भी आपको आगे अगले ब्लॉग में मिलाऊंगा. सो स्टे विद अस गाइस, एंड मैं आप लोग को तैयार होकर दिखाता हूँ हम लोग कैसे लगते हैं. Here we go guys, हम लोग अब रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो, मतलब बिल्कुल अलग किस्म के लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ रहा है. और शायद इसकी मम्मी का फोन है, मम्मी को बता रहा है मैं रेडी हो गया, मम्मी मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, लड़की देखना शुरू कर दो. सॉरी गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है. तो हम लोग जाने वाले कॉलेज, सॉरी मैच जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने का फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, पास में ही कॉलेज, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, मैंने बताया आप लोगों को. सो स्टे विद अस गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा, इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह और ओरिएंटेशन और IHM Gwalior से रिलेटेड जितनी चीज़ होगी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. सो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सबसे बड़ी बात, आज है गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल. यस, गणपति बप्पा मोरया. हेयर वी आउट, मैंने हम लोग अभी हॉस्टल से बाहर आए, हॉस्टल से बाहर आके थोड़ा सा यहाँ पे कॉरिडोर में घूम रहे हैं. आप देख सकते हो एक चीज़ कि हमारा कैंपस कितना ग्रीन है, हर जगह आपको ना पेड़ पौधे वगैरह सब दिखेंगे. पीछे हमारा हॉस्टल है, वहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, और हमारा आगे हमारा ये कॉलेज का कैंपस, मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँगा. आज हम लोग थोड़ा पहले रेडी हो गए, पहले रेडी होने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा बाहर निकल के फ्रेश एयर में घूम लेते हैं, ताकि कुछ तरोताज़ा महसूस कर सके. और बाकी की चीज़ें, थोड़ी धूप भी हो रही है, मेरा चेहरा साइन कर रहा है. मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ, कॉलेज हमारा ये देखो, आपको शायद धूप की वजह से नहीं दिख रहा, पर आपको मैं कॉलेज बाद में भी दिखाऊंगा कैंपस टूर में. सो स्टे विथ अस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट एनी अपडेट अबाउट द IHM Gwalior, सब आपको उस चैनल पर मिलेगा. और मेरे कुछ फ्रेंड्स आगे निकल गए, मैं उनके पास जा रहा हूँ. सो बाय बाय.
गाइस फाइनली आज हमारा हॉस्टल सॉरी कॉलेज का फर्स्ट डे हुआ ख़त्म। अभी के बज रहे हैं 3:30 और क्या क्या हुआ वो मैं डीप में बताऊंगा। मैं अभी हॉस्टल जा रहा हूँ, हॉस्टल पास में ये कॉलेज है, एक एम्बलम मिला है मुझे, इसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको शायद मेरा चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धूप ज़्यादा है, तो मैं हॉस्टल जाके आपसे बात करता हूँ, ठीक है, बाय। तो फाइनली मैं अब अपने रूम पे आ गया हूँ और रूम पे आने का काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और आज का दिन कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थका देने वाला था। अभी फिलहाल मेरा एक फ्रेंड आया तो सॉरी, एनीवे से हाय, गुड इवनिंग। तो आज बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली आज हमने हम लोगों का जो गणेश चतुर्थी था उस वजह से हमें सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी बुलाया गया। हमारे कुल फर्स्ट ईयर में बच्चे 160 अप्रॉक्स होंगे, 160 तो 160 बच्चे, कुछ बच्चे बाहर भी रहते हैं, सारे बच्चे हॉस्टल नहीं रहते, तो जो उनको जो एडमिशन लेते हैं कुछ लोकल्स रहते हैं, बाहर रहते हैं, सारे बच्चों के साथ में हम लोग का इंटरेक्शन हुआ। और बेसिकली आज हमें बुलाने के बाद हम लोग पूरी जो ग्रुप थी 160 ग्रुप, उन लोगों को 8 ग्रुप से बांट दिया गया, 8 ग्रुप में बांट दिया गया। वो क्यों बांटा मैं आगे बताता हूँ। तो 8 ग्रुप से बांटने का पूजा हुई, पूजा के बाद आरती हुई, हमने अपना अपना ग्रुप असेंबल किया लाइन में लग के, और हमारा और ऑडिटोरियम हम लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली IHM ग्वालियर हैज़ अ बिग ऑडिटोरियम, बिग किचन, एंड देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ किचन, मैं बता नहीं सकता हूँ इस एक वीडियो में, मैं कभी इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो किचन्स और कंप्यूटर लैब एवरीथिंग वाज गुड, मतलब इंडिया का मैं बता सकता हूँ कि अगर एरिया वाइज अगर कॉलेज मिलाया जाए तो IHM कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज हो सकता है, मे बी ये सेकेंड पोजिशन पर है भी। तो IHM कॉलेज के अंदर हमें उस ग्रुप में पहले तो हमारा क्या हुआ, 2 से 2.5 घंटे हमारा ओरिएंटेशन मतलब प्रोग्राम चला स्टेज पर, हम लोग बैठे हुए थे, सर वगैरह आ रहे थे, हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम, वो आ रहे थे और लोग बता रहे थे, हम लोगों को वेलकम कर रहे थे और ये बता रहे थे किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा, सेमेस्टर में क्या होती है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ बता रहे थे। अलग अलग सीनियर्स आ गए, फिर प्रिंसिपल सर स्पीच दिए, उसके बहुत सारे टीचर्स ने बारी बारी स्पीच दिया, तो घीच घीच के लंबा हो गया। कुछ क्विज वगैरह भी हुई, वो बोला गया था हमको स्टार्टिंग में कि आप अच्छे से सुनना, इस चीज़ को आपसे बाद में पूछा भी जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग से ही पेन और पेपर लेके सब कुछ लिख रहा था, तो मेरे से ही पूछा गया, सबसे पूछा गया, किसी को पार्टिकुलर पर्सन से नहीं पूछा गया, ऐसे कॉमनली पूछा गया। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने बताया मुझे रिवॉर्ड में एक चॉकलेट मिली किटकैट, तो हमारे सीनियर से, और हमारे जो सीनियर थे मंथन सर, ही वॉज वेरी गुड इन एवरी सेक्टर, आप उनसे बात करो, आप उनकी काम देखो, वो बहुत सही इंसान है और हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जैसे हमारा ओरिएंटेशन जो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें पूरे स्कूल की कैंपस टूर के लिए ले जाया गया। वो 8 ग्रुप को बारी बारी से, इसीलिए वो 8 ग्रुप बटा था, हर एक ग्रुप में शायद 10 से 12 बच्चे थे और हर किसी को कोई एक सीनियर 3rd ईयर का वो गाइड कर रहा था, तो इसीलिए हमें वो 8 ग्रुप बांटा। और लंच हो गया तो उस टाइम तक, तो 4 ग्रुप को लंच के पहले पूरा कैंपस टूर दिखाया गया, पूरा कॉलेज दिखाया गया, ट्रेनिंग सेंटर और सब कुछ जितना भी कॉलेज में, बहुत बड़ा, हम लोग थक गए उसी चक्कर में, थक गए हैं, बाकी बैठने में तो कोई थकान नहीं, हल्का नींद आ रही थी पर थके हैं बेसिकली पूरा कॉलेज घूम, इतना बड़ा कैंपस है, इतनी दूर दूर चीज़ें हैं, मतलब एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एक्चुअली में यार मुझे लगा ये होटल है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर पे एक होटल बना के रखा है, उसमें रूम्स भी हैं, उसमें रिसेप्शन भी है, उसमें सब कुछ है, वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग के लिए, वो होटल नहीं है। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि यार ये होटल है, अगर हमारी अगर छुट्टियों में क्लासेस नहीं चलेगी तो आप इसे एज ए होटल यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं, वो हम लोग के लिए, हम लोग को सिखाने के लिए हाउसकीपिंग वगैरह की चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। तो हम लोग पूरा घूमे कैंपस, लंच किया, लंच भी 3rd ईयर के सारे आज, मतलब बेसिकली हमें बहुत इज्जत मिली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, जैसा अदर कॉलेज में होता फर्स्ट ईयर के बच्चे को तंग किया जाता है, रैगिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सीनियर इतने अच्छे थे। और जो भी आपको ये बोले कि हाँ कॉलेज में रैगिंग होती है यार, वो सब चीज़ खत्म होनी है धीरे धीरे, हाँ हो सकती है इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइफ में हो, लेकिन IHM ग्वालियर में आई गॉट वन ऑफ द मोस्ट कोऑपरेटिव सीनियर्स, अच्छे से बात करेंगे, अगर रात को 3 बजे आपको बुखार आएगा तो आपके रूम में आके बैठ जाएंगे, आपको पूरा ट्रीट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो आपके साथ सो भी जाएंगे रात के, मतलब बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। मेरा एक्सपीरियंस पहला दिन का काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा थका हुआ हूँ पर कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता है, अब इस लाइन में आए हैं तो अभी और थकना बाकी है। और अगर आदम के हैं बेटे, मतलब एक कृष्ण ने कहा था कि इंसान के इंसान में जन्म लियो तो क्यों सोचो कि राह मंजिल जो होती है आपकी वो आसान होगा, इसलिए हमेशा मंजिल कठिन ही होता है इसका रास्ता। हमारे सर ने कहा कि आप हमेशा एम करो ऊपर, चढ़ाई करने में पहाड़ पे ज़्यादा मेहनत लगता है, उतरने में कम लगता है। सो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आई होप कि मैं और आपके लिए ऐसे कंटेंट्स बता सकूँ। और जिन जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताना है कि IHM ग्वालियर से रिलेटेड चीज़ें, और मैं IHM ग्वालियर का आपका टूर
पर्सनल टूर, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब कुछ शेयर करूँगा अपने चैनल पर। और जो भी चीज़ हमारे इस अगले 3 साल में होने वाली है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा, प्लेसमेंट से लेके IT वगैरह सब कुछ। मेरा आज फर्स्ट डे था, आज से मेरी ब्लॉगिंग शुरू है। आप लोग बस सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ, क्योंकि हर किसी का भरोसा बनना चाहिए जो आप बन सकते हो, और मेरे भरोसे आप सब हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और फिर एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।